और बच्चे लोग कैसे हो? मार्केट का पनीर तो आप हमेशा ही खाते हो, इस बार आप घर पर बना के देखिए। सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन पनीर का स्वाद है बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए, पनीर काफ़ी सॉफ्ट है। सबसे पहले एक पतीला लीजिए या भगोना लीजिए, उसमें थोड़ा पानी ज़रूर डालें जिससे आपका दूध नीचे से ना लगे। अब चलते हैं कैसे बनाएं पनीर। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, 2 लीटर दूध है, ये कच्चा है। अगर आप टोंड मिल्क लेंगे तो उससे पनीर कम निकलेगा। तो हमेशा कोशिश करें जब भी पनीर बनाएं तो फुल क्रीम दूध या डेयरी वाला दूध वो लें तो अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर 110 रुपये का 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसे गैस पर उबलने के लिए रख देते हैं। लीजिए, दूध में उबाला आ गया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम नींबू के रस से इसे फाड़ेंगे या विनेगर से, जो आपके पास हो। करीब 2 चम्मच आपको लेने होंगे और इसे डायरेक्ट नहीं डालना है, इसमें पानी मिलाकर हमें दूध को फाड़ना होगा। 2 टेबल स्पून मैं विनेगर ले रही हूँ, इसमें पानी डालकर इसमें धीरे धीरे मैं दूध में डालती रहूँगी। गैस की फ्लेम स्लो कर दिया है मैंने। सिरके वाला पानी डालने से देखिए धीरे धीरे ये फटने लगा है। लीजिए, दूध बिल्कुल फट चुका है, हरा पानी बिल्कुल अलग हो गया है और पनीर अलग हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। आपके पास पहले से रखा हुआ दूध हो उसे भी आप फाड़ सकते हैं और पनीर बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक पतीला लेंगे, उसके ऊपर एक छन्नी लेंगे। छन्नी अगर ना हो तो आटा छनने वाली भी छन्नी ले सकते हैं। उसके ऊपर एक पतला कपड़ा रखिए, सूती कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा, कोई चुन्नी भी ले सकते हैं। इसमें सारा पानी समेत पनीर डाल दीजिए। अब ये पानी है, ये हेल्दी है, इसे फेंके नहीं। इससे आप सूप बना सकते हैं, ग्रेवी में डाल सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं। अब इस छेने में खूब सारा पानी डालिए ठंडा, जिससे इसकी प्रोसेसिंग भी रुक जाए, गर्म से वो ठंडा हो जाए और इसकी खटास भी निकल जाए। अब इसे इस तरह से बांध लीजिए, ऊपर से एक प्लेट रखिए। अब इसके ऊपर वजन रखना होता है। अगर घर में कोई वजन ना हो भारी, तो हमें क्या करना होगा, उसी पतीले में पानी भर लेते हैं जिसमें हमने दूध फाड़ा था। हलवाई लोग जितना दूध होता है, जिस दूध से हम वो फाड़ रहे होते हैं, उतना ही वो लोग पानी भर के पतीला रख देते हैं। ये इनका सही रेशो है, उतना ही वजन इसके ऊपर रखना चाहिए। तो ये लीजिए, मैंने पतीला पानी से भर लिया है और जितना दूध था बस उतना ही पानी लिया है और इसके ऊपर हम रख देते हैं। कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसी तरीके से इसे रखना होगा। लीजिए, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, अब पनीर तैयार है। लीजिए, अब हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट से हमें कैसे मिलता है अब देखेंगे वो। अब हम इसका वेट करेंगे, 110 रुपये के दूध से हमें कितना पनीर बना लिया है और फिर इसको हम कितना वजन में बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए, 475 ग्राम ये तैयार पनीर है 110 रुपये में, सिर्फ 110 रुपये में। इसे एक डिब्बे में रखती हूँ, ऊपर से पानी भर लेती हूँ और इसे हमेशा इसी तरीके से फ्रिज में रखना चाहिए। 5 घंटे बाद मैं आपको इसका वजन दिखाऊंगी। लीजिए, 6 घंटे बाद मैं आपको इसका वजन दिखाती हूँ। डब्बे को हम खोलते हैं और इस पनीर को हम वेइंग मशीन पर रखते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट रखी है, अब यहाँ पर हम पनीर रखते हैं। अब इसका वेट है 576 ग्राम, मतलब 101 ग्राम ये पानी बढ़ गया है, पानी से इसका वेट बढ़ गया है। तो सोचिए, मार्केट में जो हमें पनीर मिलता है वो सारा टाइम पानी में ही रखते हैं, इसीलिए वो वजन में बढ़ता जाता है। और हम जब घर पर लाते हैं उसमें खूब सारा पानी होता है और सब्जी वो कम हो जाती है, यही कारण है। और घर में हमें बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन हमें भी जब फ्रिज में रखना होता है पनीर, तो इसी तरीके से पानी में रखिए, आपका पनीर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 4 से 5 दिन तक आप इस पनीर को यूज़ कर सकते हो, बीच में 1-2 बार इसका पानी बदलते रहें।
बहुत ही सॉफ्ट ये पनीर बनता है, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही टेस्टी होता है। आप जब खाएंगे इसे कच्चा भी खा सकते हैं, तो आप खुद समझेंगे कि आज पनीर में कुछ चेंज तो है। तो बच्चों, देखा आपने 200 रुपए किलो घर में पनीर बनकर तैयार हुआ, जो मार्केट में हमें 400 से 500 रुपए किलो मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को।